सीकर के चिपलाटा में 10 सितंबर को हवाई फायर करने वाले अलवर निवासी आरोपी हंसराज और रविंद्र को भी आज नीम का थाना कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। दोनों को कल प्रोडक्शन वारंट पर अलवर से गिरफ्तार किया गया था। इधर फतेहपुर कोतवाल और कांस्टेबल की हत्या के मुख्य आरोपी अजय चौधरी और जगदीप उर्फ धनखड़ को आज भारी सुरक्षा के बीच फतेहपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। फतेहपुर कोतवाल मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश हत्याकांड में पुलिस को आज एक सफलता और हाथ लगी है। हत्या के आरोपी अनुज उर्फ छोटा पंड्या को भी आज पुलिस ने भीलवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हत्याकांड के बाद अनुज पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पारिक सोशल ग्रुप की ओर से महर्षि पाराशर जयंती महोत्सव 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ग्रुप के प्रवीण पारिक ने बताया कि इस दिन सुबह 8 बजे माधव निवास कोठी से बद्री विहार तक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और इसके बाद प्रतिभा सम्मान समारोह और सवामणि प्रसाद का कार्यक्रम होगा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सीकर शहर में आज रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च तापड़िया बगीचे से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ निकाला गया।